वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको चावल के पोले यानी कि पापड़ बनाना बताऊंगी। ये मैदे के भी बनते हैं, लेकिन चावल के जो बनते हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें और ये पापड़ जो है 2 से 3 साल तक ख़राब नहीं होंगे। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। चावल का आटा आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप चाहे तो घर पे भी इसको बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है नमक, 1/2 टीस्पून से कम यहाँ पर लिया है मैंने पापड़ खार, 1/2 टीस्पून से कम मैंने यहाँ पर लिया है जीरा साबुत, थोड़ा सा मैंने लिया है तेल। तो सबसे पहले हमें बैटर तैयार करना है, तो उसके लिए हम सब चीजों को पहले मिक्स करेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा, नमक और जो पापड़ खार हमने लिया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका हमें बैटर तैयार करना है। इसको हम लगातार चलाते जाएंगे, इस तरह हमें इसका पतला बैटर तैयार करना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा हमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे भी और इसको एक बार फिर से मिक्स करेंगे। इस तरह देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। बिल्कुल हमें इस तरह इसको रखना है। ये देखिए बहुत ही इजी है चावल के पापड़ बनाना, झटपट हम इसको घर पे बना सकते हैं। अब मैं बताती हूँ हमें आगे करना क्या है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का जो है सांचा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसको चावल के पापड़ या पोले बनाने का सांचा बोलते हैं। आपके पास है तो आप इस पे बना सकते हैं और नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, दोनों तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले इसको हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। हमें अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको ग्रीस करना है। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। यदि ये सांचा नहीं है तो इस तरह की प्लेट तो सबके पास मिल जाती है, तो इस तरह की मैंने 2 प्लेट ली है। इन दोनों को भी हम ग्रीस कर लेंगे। इसको भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब हम चावल के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। जो बैटर हमने तैयार किया था वो हम इस तरह प्लेट में डालेंगे। देखिए ज्यादा गाढ़ा हमें इसको नहीं डालना है, पतला ही रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने पूरी प्लेट में डाल दिया है। इस तरह हम दूसरी प्लेट पे भी डाल देंगे। ये आसानी से फैल जाता है क्योंकि हमने इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं रखा है। इस तरह दोनों प्लेटों में भी हम डाल देंगे। इसमें भी हम इस तरह डाल देंगे और अच्छे से इसको टेप करेंगे। इस तरह मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलिए अब हम इनको भाप के अंदर पकाते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। हमें इसमें न तो लोइया बनानी है न बेलना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनको पका के ही हमें निकालना है। बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर हमारे तैयार होंगे। आप देख सकते हैं मैंने गैस पे एक भगोना रखा है और इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है और ये जो रिंग है ये मैं इसके अंदर रख दूंगी। पानी अच्छा बॉईल होने लग जाएगा तब हम इसमें स्टैंड रखेंगे हमारा। पानी बॉईल हो गया है तो चलिए अब जो हमने वो प्लेट ली थी जिसमें हमने इसको फिल किया था वो इसमें हम इस तरह बड़ी सावधानी से रख देंगे। ये देखिए इसको अब हम ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे। तो चलिए अब हम खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल पककर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह हम इसको पकड़ के बड़ी आसानी से निकल जाता है। इसको हम निकाल लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा पककर तैयार हुआ है। इसी तरह हमने जो प्लेट में रखा था वो भी हम इसमें इस तरह रख देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर फुल कर दिया है और इसको ढक देंगे। इसको पकने में हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट लगा है। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा पककर तैयार हुआ है। इस तरह हमें निकालना है और नेक्स्ट राउंड हम करेंगे। अब हम रख देंगे दूसरा भी। इस तरह हमें सारे पापड़ बनाने हैं। इसको भी हम ढक देते हैं। चलिए खोल के देखते हैं। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से पक चुका है।
मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। इसको भी अब हम निकालेंगे। अब देखिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ, आप चाहे तो पूरा साबुत इसको उतार सकते हैं, नहीं तो इसको इस तरह से चार कट लगा के भी इसको आप निकाल सकते हैं। कट लगा के मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि जो है इसको हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही इजीली ये फ्राई हो जाएंगे। इस तरह देखिए बड़ी आसानी से ये निकल जाता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम चारों पीस निकाल लेंगे। ये देखिए बड़ी आसानी से ये निकल जाता है, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। और इस तरह ये देखिए ये भी हम निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे और पतले पापड़ बनकर हमारे तैयार हुए हैं। ये देखिए अब इसी को हम वापस से ग्रीस करके इसी में हम अपना नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। अब मैं आपको पूरा निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से हमें कॉर्नर से इसको इस तरह चारों तरफ से करते हुए हमें निकालना है। ये देखिए इस तरह चक्कू से हम उठाते हुए धीरे से हम इसको ऊपर की ओर उठाएंगे, बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। इस तरह धीरे धीरे इसको घुमाते हुए हम इसको निकालेंगे। ये देखिए चारों तरफ से पूरा, मैंने इसको पूरा वीडियो में आपको दिखाया, कुछ भी मैंने बीच में कट नहीं किया, आप देखिए पूरा निकाल दिया मैंने। और ये प्लेट में जो बनाया था वो भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, वो भी बड़ी आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल वैसे ही मैंने कट किया है पहले के जैसे ही। और इस तरह इसके हम चार पापड़ छोटे बनाए हैं, इसको हम निकालेंगे। बड़ी आसानी से ये भी निकल जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसी को हम ग्रीस करके दोबारा इसी में हम अपना बैटर डाल के और इसको वापिस से बनाएंगे। आप देख सकते हैं इतने सारे पापड़ जो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें सुखाना है, तो मैं बताती हूँ हमें कैसे सुखाना है इनको। इस तरह का एक कॉटन कपड़ा लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इस तरह देख के बड़ी आसानी से सूख जाते हैं, एक एक करके बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। आप इस तरह आसानी से इसको सुखा सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल सल नहीं रहने चाहिए। इस तरह एक एक करके हमें इनको सुखाना है। आप पहले एक साथ बना ले, फिर आराम से जाके आप सुखा सकते हैं इनको, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ये उतर जाते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये हमारे सूख जाते हैं। इनको हमें धूप में सुखाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह सारे पापड़ जो है हमें कॉटन कपड़े पे फैलाकर धूप में ही सुखाने हैं। 2 से 3 दिन तक हमें इनको अच्छी तरह सुखाना है। बाद में जब ये सूख जाएंगे 1 दिन में, तो इसको हम पलट देंगे इस तरह। इस तरह हमें इनको दोनों साइड से पलट के सुखाना है। 3 दिन बाद आप देखेंगे तो ये पापड़ बिल्कुल जो है हमारे तैयार हो जाएंगे, खाने योग्य बन जाएंगे। इस तरह देखिए बड़ा वाला पापड़ भी मैं आपको उठा के सुखा के बताती हूँ। देखिए बड़ी आसानी से उड़ जाता है, और इस तरह हम इसको भी सुखा सकते हैं, बिल्कुल सल नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह यदि आपके यहाँ धूप कम आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो भी नो टेंशन, आप पंखे के नीचे भी इनको सुखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सूखने में टाइम ज्यादा लगेगा। पापड़ हमारे सूख कर तैयार हो गए हैं, 3 दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं कितने अच्छे पापड़ बनकर हमारे तैयार हुए हैं, बिल्कुल व्हाइट पापड़ हमारे बने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 2 महीने पहले बनाए थे, बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनकर हमारे तैयार हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। जब भी घर पे कोई मेहमान है, या फिर आपके खुद के खाने की इच्छा हो, या फिर किसी भी त्योहार पर, हम इनको आसानी से 2 मिनट के अंदर अंदर हम इसको फ्राई करके खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। गैस पे मैंने पैन रखा है, और पैन में मैंने तेल ऐड कर दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम फ्राई करते हैं, आप देखिए गैस की फ्लेम को फुल ही रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फुल कर तैयार हुआ है। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पापड़ हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए एक और मैं फ्राई करके बताती हूँ आपको। ये देखिए इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह हमें जितने चाहिए उतने ही फ्राई करने हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे पापड़ को मैंने तलकर फ्राई किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे और क्रिस्पी पापड़ हमारे बनकर तैयार हुए, और कितने सॉफ्ट बने हैं ये आप देख सकते हैं। ये देखिए
ये देखिए मैं चूरा करके बताती हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह हम मार्केट से नहीं लाकर घर पे भी हम मार्केट स्टाइल के पापड़ बना सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक राउंड हमारा 2 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। आपको इस बारे में कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पापड़ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मैं खास टिप्स आपको दूंगी, वो यह है कि पापड़ को जो है बिल्कुल अच्छी तरह सुखाकर एयरटाइट कंटेनर में बंद रखना है। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके पापड़ जो है 2 से 3 साल तक खराब नहीं होंगे, आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने जो पापड़ बनाए वो कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।